नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के तेजस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस मार्क 1A की डील फाइनल की थी, तो उसके बाद अब इंडियन एयरफोर्स को टोटल 123 तेजस एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं, जिनमें पहले इसराइली रडार को इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन दोस्तों बाद में इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया था और कहा गया था कि हमारे पास जो स्वदेशी उत्तम AESR रडार मौजूद है उनको अब हम अपने तेजस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, तेजस मार्क 1A में उत्तम AESR का इस्तेमाल तो होगा, और जो 123 एयरक्राफ्ट ये होने वाले हैं, इनमें लगभग 51% में जो हमारा उत्तम AESR डार है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ये क्वांटिटी लगभग 60 से 61 एयरक्राफ्ट के आसपास बैठती है, जिसमें भारत खुद का उत्तम AESR डार लगाएगा। और इसके बाद जो मार्क 1A स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होंगे उनमें भारत का ही उत्तम AESR रडार लगेगा। तो दोस्तों, ऐसे में अब भारत जल्द से जल्द रडार के मामले में भी अपनी जो निर्भरता है उसको ख़त्म करने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम इसराइल से जो रडार हैं वे खरीदते हैं, और दोस्तों उत्तम AESR के जो बचे कुचे टेस्ट हैं वे इस साल कंप्लीट कर लिए जाएंगे, और अगले साल से ये मास प्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुका होगा, यानी कि अगले साल ही मास प्रोडक्शन में होगा। और दोस्तों, इसके बाद हम जो इसराइल से जो ELM-2052 रडार्स को ख़रीदते हैं, तो उनमें लगभग 320 के आसपास TR मॉड्यूल्स मौजूद हैं, जबकि दोस्तों हमने ये जो खुद का उत्तम AESR मार्क 1 रडार बनाया है इसमें 736 प्लस TR मॉड्यूल्स मौजूद हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का उत्तम AESR रडार कितना ज़्यादा एडवांस उससे होने वाला है। इसके बाद दुनिया के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट यानी कि F-35 में APG-81 रडार का इस्तेमाल किया गया है। ये भी एक AESR रडार है, और दोस्तों ये वाकई में वन ऑफ द बेस्ट रडार्स में से एक है। तो इसमें 1200 TR मॉड्यूल्स मौजूद है, लेकिन दोस्तों भारत भी इसी लेवल का जो रडार है वो बनाने वाला है, जिसे हम उत्तम मार्क 2 के नाम से जानेंगे, और इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक होगी। साथ में इसके अंदर 1235 जो TR मॉड्यूल्स है वे मौजूद रहेंगे। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं राफेल में लगने वाले RBE-2 रडार की, तो देखिए दोस्तों उसमें 838 TR मॉड्यूल्स मौजूद है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का ये जो उत्तम रडार है ये कितना ज़्यादा एडवांस होने वाला है। और इसके बाद SU-57, तो उसमें भी SH-121 रडार का इस्तेमाल किया गया है, और उसमें लगभग 1552 TR मॉड्यूल्स मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे रडार्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि कौन सा कितना ज़्यादा एडवांस है, और हमारा रडार भी यहाँ पर कितना अच्छा स्टैंड करता है। जबकि दोस्तों हमने अभी शुरुआत की है, जबकि ये मतलब पिछले लंबे समय से इस तरह के रडार्स पर और जो वेपन्स टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर काम करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो उत्तम AESR रडार है इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि टेस्ट के दौरान सामने आई है। तो सबसे खास बात तो ये है कि इसमें 16 अलग अलग मोड्स का एक तरह से इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रडार है। तो इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू जो ग्राउंड मैपिंग होती है उस तरह के जो मोड्स हैं वे इसमें रखे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रडार ये भारत की तरफ से बनाया गया है, और ये 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जबकि जो इसराइल का रडार है वो 64 के आसपास के जो टारगेट है उनको ट्रैक कर सकता है। और इसके बाद 2015 में इसके दोस्तों टेस्ट किए गए थे, तो उसमें 2 मीटर स्क्वायर के RCS के टारगेट को इसने 92 किलोमीटर से ट्रैक कर लिया था। लेकिन दोस्तों बाद में इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, और साथ में इसकी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा रिफाइन किया गया। तो उसके बाद अब ये 150 किलोमीटर से 2 मीटर स्क्वायर RCS के टारगेट को ट्रैक कर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि JF-17 को ये बड़ी आसानी से 150 किलोमीटर से ट्रैक कर सकता है। और दोस्तों, जो JF-17 का Block 3 आने वाला है उसमें वे बात कर रहे हैं कि उसमें वे जो कार्बन कंपोजिट मटेरियल है उनका इस्तेमाल करेंगे, और कुछ डिज़ाइन चेंजेस भी किए गए हैं जो कि ना के बराबर आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, इसके बाद भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगले साल भारत बांग्लादेश में होने वाले एयर शो में तेजस के लिए ऑर्डर ले सकता है। तो ऐसे में हमें बांग्लादेश के साथ अपने जो रिलेशन है वे अच्छे करने शुरू कर देने चाहिए, जो मिलिट्री रिलेशन है उनको भारत को बड़ी तेज़ी से बढ़ाना होगा, तभी हम किसी भी तरह की जो डिफेंस डील है उसको कर सकते हैं। और दोस्तों, एक और गुड न्यूज़ ये है कि भारत ने मालदीव के साथ $50 मिलियन की जो डिफेंस डील्स है वे साइन कर ली है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।